तो हेलो गाइस, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। भाई लोग अपन आ चुके हैं इंडस मोबाइल की एक नई वीडियो में। और वीडियो शुरू करने पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अब जो सभी को पता है कि इंडस गेम आ चुकी है, बीटा वर्जन उसका आ चुका है। बट अब ये इसको आपको पता है, बीटा वर्जन जो होता है उसके रिलेटेड ही होता है, ठीक है, सेम टू सेम। और जो मतलब कि जो पहली ऑफिशियल गेम होती है वो पहले तो टेस्ट करती है, क्योंकि इसमें कुछ बग्स वगैरह नहीं है तो क्रैश वगैरह कुछ नहीं होता, तो वो फिर वो इसको ऑफिशियल कर देती है, ठीक है। तो इंडस मोबाइल है ये, इंडस जो गेम है ऑफिशियल वही है ये। और इसको कैसे खेलते हैं उसके बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो शुरू करने पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। चलो गाइस करते हैं स्टीम, और सॉरी वीडियो शुरू फटाफट से। सबसे पहले जो इसकी बेसिक सेटिंग है वो वाले वो देख लीजिए, इसमें क्या कर दिया गया, फिर आपको मैं गेम खेल के दिखाता हूँ। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले इसकी आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है। बहुत मज़ेदार गेम है, जैसे आपकी बीजीएमआई पबजी और फ्री फायर वगैरह गेम है ना, तो वैसे ही सेम टू सेम गेम है ये। बट इसमें एक चीज़ मुझे खास लगी, ग्राफिक्स में बहुत मस्त है, स्मूथ चल रही है, एकदम मस्त ओपी वाली फीलिंग आ रही है भाई इसमें। आप खेलोगे तो बहुत मस्त आपको मज़ा आएगा, जैसे पबजी और बीजीएमआई के ग्राफिक्स है ना, इसमें ऐसे ही सेम टू सेम है, बहुत बढ़िया है। और इमोट्स को भाई कुछ पूछो मत, इतना इमोट्स बढ़िया है इसमें, कोई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोफाइल में जैसे ही आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको जो पता है बेसिक सेटिंग हो रहा है, यहाँ पर दिख जाएगी की डी वगैरह कितनी है और आपकी और कितने मैच खेली, कितने यहाँ पर हार चुके, कितने यहाँ पर किल कर दिए, फिनिश किल कर दिए अपने एनिमीज को, वो यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। नाम चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको सीधा पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपका नाम लिखा है तो मैंने उस पर क्लिक कर, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नेम पर आपको नाम अपना दे देना है और यहाँ से ओके कर देना है, आपका नेम चेंज हो जाएगा। तो अभी मैंने चेंज करके रखा है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट करना चाहते हो तो सिंपली उसकी यूआईडी चाहिए होती है। आईडी कहाँ पर होती है, देखो मेरा यहाँ पर लिखा ना यूट्यूब डी फोर डेबिट, तो उसके नीचे ही कॉपी का निशान है, मतलब कि यहाँ पर एक आईडी लिखी मेरी 22KX44NB, ये मेरी आईडी है। तो इसको आपको अपने आप मतलब आपके फ्रेंड की आईडी यही वाली आईडी ले लेनी है और उसको डालना कहाँ पर है, यहाँ पर इनवाइट पर जाना है। देखिए लेफ्ट साइड में सबसे नीचे इनवाइट में जैसे जाओगे ना एड फ्रेंड में जाना है, जैसे ही एड फ्रेंड में जाओगे तो यहाँ पर आपको सिंपली ऊपर एंटर द शॉर्ट आईडी और द फुल नेम ऑफ द यूज़र टू सर्च, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको आपके फ्रेंड की यूआईडी जो है यहाँ पर सर्च कर देनी है। जैसे ही यूआईडी सर्च करोगे आपका फ्रेंड आ जाएगा, आप उसको अपने साथ ऐड कर सकते हो और उनके साथ खेल सकते हो मज़े के साथ, ठीक है। ये तो हो गया फ्रेंड के साथ कैसे खेलना है। अब यहाँ पर मिशन जो है वो कैसे कौन से कैसे कैसे क्लियर करने पड़ेंगे आपको। मिशन आपको पता है बीजीएमआई में आपको जैसे जैसे गेम खेलते हो और मिशन उसमें होते हैं 3 किल 4 किल ऐसा कुछ होता है मिशन, और चेस्ट वगैरह मिलती है उसमें, क्रेडिट वगैरह मिलती हैं, तो वही सेम इसमें भी फीचर वही दिया गया। जैसे आप मिशन गेम खेल के आओगे आप आओगे तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स हैं और कॉइंट्स वगैरह है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप इनको क्लियर करोगे तो आपको रिवॉर्ड वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और आपका लेवल भी अपग्रेड होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी बात। अब यहाँ पर कैरेक्टर को कैसे चेंज करना है वो भी आपको बताता हूँ। लेफ्ट साइड में सबसे नीचे देखिए अवतार पर क्लिक करना है, जैसे ही अवतार पर क्लिक करोगे राइट साइड में आपके बहुत सारे प्लेयर आ जाएंगे, जो जो अनलॉक हैं वो नीचे की तरफ शो हो जाएंगे, जो जो अनलॉक नहीं है वो आपको ऊपर की तरफ शो हो जाएंगे। तो आप अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ से कोई भी कैरेक्टर चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं इसको कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, विक नाम है इसका, VIK, इसको इक्विप करते हैं। अब ये कैरेक्टर आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो ये कैरेक्टर आ चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। अब इसके साथ अपन खेलेंगे और यहाँ पर आपको इन्वेंट्री में आना है, ठीक है। इन्वेंट्री में आपको ये आपके सारे जितने भी आपके पास स्किन्स हैं गाड़ी के नाम वगैरह, तो यहाँ से आपको शो हो जाएंगे, आप उनके मर्जी के अनुसार उनकी स्किन चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब गेम खेलने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, राइट साइड में जहाँ पर प्ले का निशान दिखाई दे रहा होगा तो आपको उस पर क्लिक करना है। बैटर वाले ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट होता है तो उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक एक मिनट एक चीज़ रहेगी, अबे भाई स्क्वाड का बताना रह गया, स्क्वाड का जैसे अगर स्क्वाड का लगाना चाहते हो ना तो उसमें आपको उसमें जाना है मैप वाले ऑप्शन में, जो मैंने बताया था अभी, तो मैप वाले ऑप्शन में जाके सिंपल कुछ नहीं करना, उस पर जो फ्रेंड के साथ खेलना चाहते हो तो उस पर स्क्वाड कर दो, सोलो खेलना चाहते हो तो उसको ऑफ कर दो, सिंपल बात है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपका कुछ सेकंड के बाद जो आपका मैच है वो लग जाएगा। अब यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो यहाँ से क्रैश भी हो जाए, ठीक है, और बैक भी आ जाए, तो आपको दिक्कत कुछ बैक करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको वहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है और आपका गेम जो है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये है लॉबी, ठीक है, और यहाँ पर आपका गेम शुरू हो चुका है। अब सिंपली इसको जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है और इसके बाद आपका जो प्लेन वाला जो सीन होता है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो जैसे हर गेम होता है तो वैसे ही यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद ये
अगर आप सेटिंग वगैरह ऑफ करना, जो अपना कंट्रोल वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कंट्रोल में आना है और यहाँ कस्टमाइज ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जैसे आप अपना अपनी मर्जी के अनुसार कंट्रोल वगैरह चेंज वगैरह कर सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी के अनुसार। तो मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, तो यहाँ से अब मैं बैक करता हूँ और यहाँ से अपन चलते हैं गेम में। और ग्राफिक करने या चेंज, तो ग्राफिक पर आना है आपको यहाँ से और अपनी मर्जी के अनुसार फ़ोन के अनुसार जो ग्राफिक्स होते हैं वो उसको चेंज वगैरह कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर गेम ओपन हो चुका है, ठीक है, और यहाँ से आपको थोड़ा समझ भी आएगा कैसे कैसे गेम प्ले ग्राफिक जो इसमें मुझे सबसे बढ़िया बस यही बात लगी है, इसके जो कंट्रोल्स हैं और जो मूवमेंट है बहुत मस्त है इसकी। बाकी आपको गेम खेलते खेलते जैसे आप खेलोगे आपको और सबको पता लग जाएगा, जैसे बाकी गेम जो है फ्री फायर BGMI वैसे ही ये सेम टू सेम गेम ये भी है, ठीक है। इसमें इतना भी वो अलग सीन नहीं है, बस थोड़ा वो चेंजेस होता है हर गेम में, आपको पता ही थोड़ा वो चेंजेस होता है, बाकी तो गेम नॉर्मली होती है। अब आपको बंदे वगैरह फिनिश करके दिखाते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं इसलिए नहीं लूटिंग की थी तो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एनिमीज उतर चुके थे। और एक चीज़ इसमें बहुत बढ़िया एक और बात है, जो एनिमीज के फुटस्टेप है ना उसमें आपको स्क्रीन पर ही शो हो जाते हैं, जैसे BGMI में होते हैं ना ऐसे ही शो हो जाते हैं सेम टू सेम। थोड़ा आपको खेलोगे पता लगेगा आपको, बहुत मस्त गेम है। और यहाँ से आपको जैसे ये वाली ऐसी क्रेट दिखेंगी ना तो आपको उसमें से लूटिंग भी बहुत बढ़िया मस्त मस्त मिलेगी, ठीक है। बाकी एनिमीज की जो चेस्ट वगैरह होती हैं उनमें से तो मिल ही जाएगी उनको उनको फिनिश करके। एंड बहुत ओपी गेम है, जब आप देखोगे तो मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अभी अभी तो ये बीटा वर्जन चल रहा है ना, तो आगे चल के जब ऑफिशियल आएगा तो और भी मस्त इसमें मोड में देखने को मिलेंगे। अभी इसमें बैटल रॉयल मिलेगा ओनली ऑन, बाकी TDM वगैरह हैं जो वैसे होते हैं 1v1 वगैरह होते हैं तो वो रूम वगैरह तो वो आपको ऑफिशियल पर देखेंगे। अब यहाँ पर सामने टीम तो मैं इनको फिनिश करके ट्राई करता हूँ। ओहो छी बे, गेम प्ले बस ऐसा ही है क्योंकि मैं ज़्यादा खेला नहीं उसे, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, मिलते गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, टेक केयर।